दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। जी, नगर निगम की ओर से तो केवल इतने कार्य किए जाते हैं कि ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अम्बेडकर पार्क बने हुए हैं, उनमें सफाई व्यवस्था और सफेदी का छिड़का और कुछ जगह पर हम लोग जो है बाबा साहब के जैसे बिग गेट है वहाँ पर रंग पेंट वगैरह वो सारे कराते हैं, सफाई व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था भी कराते हैं। अच्छा, तो ये सारे काम हम कराएंगे क्योंकि बाबा साहब तो भारतीय संविधान के रचयिता तो थे, लेकिन भारत में वो जनजन के नायक भी हैं और बाबा साहब ने जो कार्य किए वो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य हैं। तो बाबा साहब की जयंती 14 नवंबर को धूमधाम और 14 अप्रैल को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए जो भी हम कार्य करते हैं नगर निगम के जो सारे कार्य किए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे नगर निगम महापौर मथुरा वृंदावन डॉक्टर मुकेश आरबंधु जी, जिन्होंने बताया कि साफ सफाई और रंग पेंट सारी व्यवस्थाओं के साथ अमली जामा पहनाया जाएगा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की जो जयंती है 14 अप्रैल को, उसको लेकर नगर निगम की ओर से कोई भी कोर कसर इस बार नहीं रहने दी जाएगी। आपने सुना ही, मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।